जय हिंद। तो सौ सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड के ऊपर, क्योंकि जो आप लोगों का एडमिट कार्ड आ रहा है वो आज से डाउनलोड करना स्टार्ट हो चुका है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे अपने आप फ़ोन से डाउनलोड करो या आप अपने लैपटॉप से, पीसी से, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकायदा आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा है, काफ़ी लोग वीडियो देखे भी होंगे जिसमें कुछ लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए हैं और बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जिनमें एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया। जिसमें डाउनलोड तो होता है लेकिन उसमें सब कुछ ब्लैंक आता है, आपको फोटो, सिग्नेचर, नेम, रोल नंबर, वेन्यू, सब कुछ आपका, आप लोगों का ब्लैंक आ रहा है, कुछ शो नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ और मेरा जो वीडियो है आने का थोड़ा सा लेट आया इस वजह से, क्योंकि ये प्रॉब्लम थी। पहले मैं फ़ोन में ट्राई किया, फिर मैंने सोचा कि लाओ, हो सकता है फ़ोन में ना ओपन हो रहा हो तो लैपटॉप में मैं ओपन करता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर पीसी पे आया तो यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम हमारी आती है, सेम वही प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा एडमिट कार्ड है शो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? ऐसा हो सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा हो, या हो सकता है कि आपके भी कुछ ऐसा हो सकता है। मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि एडमिट कार्ड तो आ गए हैं, प्रोसेस आप पूरा देखना किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का एडमिट कार्ड है वो आना स्टार्ट हो चुका है। आप जो सरकारी.com है यहाँ पर आएंगे, इसको आप रोजाना विजिट करते ही होंगे। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आते हैं तो आपको सिंपल क्या हो करना होता है, आपको ये दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, कैंडिडेट लॉगिन और जनरेट एडमिट कार्ड आफ्टर लॉगिन। यानी कि कह रहा है कि सबसे पहले आप कैंडिडेट लॉगिन यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने, लॉगिन करने के बाद फिर से आप बैक पेज पे, फिर यहाँ पर आपको आफ्टर लॉगिन पे क्लिक कर देना है तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और मैं अपनी आईडी पासवर्ड यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारा इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप लोगों का ब्लैंक आता है, इसका मतलब ये है कि आप सभी लोगों का अभी जो एडमिट कार्ड हैं जिनके इस तरीके से ओपन हो रहा है, हो सकता है कि आप लोगों का अभी शो ना हो रहा हो क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम हो थोड़ा सा लेट हो। क्योंकि एग्ज़ाम की जो डेट है आप लोगों को 7 अगस्त से लेकर आपका स्टार्ट है और 4 नवंबर तक चलने वाले हैं, तो काफ़ी दिन चले, समथिंग एक मंथ आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें आप लोगों के अलग अलग डेटों में करवाए जाएंगे। जब अलग अलग डेटों में करवाए जाएंगे तो हो सकता है एडमिट कार्ड भी थोड़ा सा आगे पीछे भी आ सकता है, ये आपका रीज़न हो सकता है। ये पहली चीज़ आपकी रीज़न यही है। तो जिनमें नहीं सो रहा भाई, तो आप लोगों का यही होने वाला, मेरा भी नहीं सो रहा। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मेरा भी नहीं सो रहा है, लेकिन मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा किस तरीके से आप फिर से चेक कर सकते, रोजाना आप चेक जरूर करते रहेगा। तो हमारा ये लॉगिन आईडी, यहाँ पर हमें क्या करना है, लॉगिन आईडी का लेनी, यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कौन सा डालना है, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको पासवर्ड बनाया गया तो वही आपको पासवर्ड डाल देना है। यदि नहीं पता हो तो यहाँ फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप उसको प्रोसेस आगे कर सकते हैं। आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से पेज हमारा ओपन हो जाता है। पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे एक एडमिट कार्ड का ऑप्शन शो कर रहा है। इस पर हम जब से क्लिक करेंगे तो हमारा पेज इस तरीके से होता है, इंट्रैक्शन डाउनलोड एडमिट कार्ड। अब यहाँ पर कुछ शो हो नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है। क्या करना है आपको, फिर से वही पीछे वाले पेज लॉग आउट नहीं करना। देखिए आपको लॉग आउट नहीं करना, जो लॉग आउट है आपको जो पिछला वाला आपका पेज है उसी पे आ जाना है। और आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है जनरेट एडमिट कार्ड का, यहाँ पर सिंपल आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई क्या पड़ता है, इस तरीके से पेज एडमिट कार्ड का। देखिए अब यहाँ पर क्या, देखिए सब कुछ ब्लैंक आ गया क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है, ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, आधार, परमानेंट एड्रेस, एग्जाम सेंटर, एंट्री टाइम, एग्जामिनेशन टाइम, सेंटर कोड, ये सब जो वेन्यू है, साथ साथ में आपका फोटो सिग्नेचर, आपका यहाँ पर जो एक फोटो चिपकाना है, फिर यहाँ आपकी जो भर्ती है यानी कांस्टेबल की, इसका पूरा डिटेल्स दिया जाता है। यहाँ पर गेस्ट ऑफिसर से आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, थम आपका होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इनके एडमिट कार्ड नहीं शो हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसका रीज़न यही हो सकता है कि आप सभी लोगों का जो एडमिट कार्ड है जिनका 7 तारीख को हो, ठीक है, इनका 7 तारीख को एग्ज़ाम है, उन लोगों का पहले शो किया गया हो और धीरे धीरे करके सारे लोगों का अभी आ जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम है, देखिए करीब 1 मंथ चलने वाले हैं, ठीक है, करीब 1 मंथ चलेगा तो एडमिट कार्ड भी हो सकता है डिले भी
हो, ठीक है, यानी रेडमी कार्ड धीरे धीरे करके आप लोगों का शो हो सकता है, ऐसा रीजन हो सकता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता था कि ये सारी चीज़ें मैंने अपने फ़ोन से भी चेक किया, आपके सामने मैं लैपटॉप पर भी चेक कर रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ, देखिए कहीं पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप डरिए मत कि आपके फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं हो, आप ऐसा भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपना पद जो आपका है अपना दे सकते हैं, वी अप्लीकेशन पोस्ट पर आपने कौन से फॉर्म अप्लाई किया था वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे व्यू अप्लाइड पोस्ट कि आपने अप्लाई किया था कि नहीं किया था वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर आपको फीमेल कैंडिडेट पे थे, ठीक है, यानी जिसमें आपने अप्लाई किया था तो आप इसको जनरल ड्यूटी एंड जीडी अप्लाई किए थे, अप्लाइड भी हो गया था 25 फरवरी 2021 को लास्ट डेट था, इसका पेमेंट आप देख सकते हैं पेड भी हो चुका है, यहाँ पर ये प्रिंट भी कर सकते हैं, तो फॉर्म भी एक्सेप्ट हो चुका है, अप्लाइड भी है, फीस पेमेंट भी आप लोगों ने दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं कि आपके एडमिट कार्ड वैसा कुछ नहीं हो रहा, तो आपका जब भी आएगा शो हो जाएगा, आप रोज़ाना चेक करते रहिएगा, जैसे भी आता आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेन मोटिव हमारा ये था कि आप लोग उसको चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, नहीं आया है तो आप इस तरीके से आ रहा है, आप सभी लोगों को मैंने जहाँ तक लोगों को देखा इस तरीके से, और मैं इसीलिए थोड़ा सा मेरा वीडियोज़ भी थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि हम चाहते थे कि आप लोगों को मेरे फ़ोन में इस तरीके से शो हो रहा था, मैं सोचा कि लैपटॉप में थोड़ा लेट में लाइट भी आई, इस वजह से मैं इस चीज़ को नहीं बना पाया, थोड़ा टाइम में लगा। तो मैं बस बताना चाहता था कि कोई प्रॉब्लम आप सभी लोगों को नहीं होने वाली है, तो आप इसमें डर रहे हो कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं शो हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करिए, आ जाएगा, आप रोज़ाना चेक करते रहिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतनी प्रॉब्लम नहीं हो सकती सबके साथ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, कोई एनी प्रॉब्लम कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का नंबर भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ भी हमें आप पर्सनली मैसेज टेलीग्राम पर आप कर सकते हो, ठीक है, तो वहाँ आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना कोई प्रॉब्लम हो आप हमें शेयर कर सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम सॉल्व करने के लिए, बस इतना आप सभी लोगों के लिए कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम कुछ होती है किसी भी चीज़ के बारे में तो आपको जरूर मैं हेल्प करूँगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।